नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान शिक्षण यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपके लैपटॉप या पीसी में एंटीवायरस नहीं है तो आप विंडोज की मदद से फ्रीली आपके बूट सेक्टर पे अगर वायरस होगा तो उसे आप कैसे स्कैन कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में अगर वायरस होगा तो आप उसे कैसे स्कैन कर सकते हैं, यही कुछ आज वीडियो में हम देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। डेस्कटॉप पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे आपको टाइप करना है विंडोज आर बटन कीबोर्ड से, उसके बाद में यहाँ पे MRT लिखना है और ओके करना है। ओके करने के बाद में आपके सामने यूजर अकाउंट कंट्रोल का एक मैसेज आएगा और वहां पे लिखा रहेगा डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंज टू योर डिवाइस। तो यहाँ पे आप इसे यस कर दीजिए। यस करने के बाद में आपके सामने ये टूल ओपन होगा और यहाँ पे लिखा है वेलकम टू द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूव टूल। ये आपके कंप्यूटर पे जो भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर होगा उसे रिमूव कर देगा। ये स्कैन करेगा आपके कंप्यूटर या डेस्कटॉप या लैपटॉप को, वहाँ पे जो भी आपके रिपोर्ट्स होंगे मैलिशियस सॉफ्टवेयर के वो आपको शो करेगा आपका स्कैन। अब यहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्लीज चूज अ टाइप ऑफ स्कैन। स्कैन करने के तीन टाइप्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन। तो हम यहाँ पे क्विक स्कैन पे क्लिक कर देते हैं और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए करंटली स्कैनिंग और यहाँ पे क्या क्या स्कैन कर रहा है, उसके पाथ, उसके बाद में फाइल कितनी स्कैन हो चुकी है, उसका नंबर, फाइल इन्फेक्टेड 0, टास्क टाइम और उसके बाद में टाइम एलैप्स यानी कितना टाइम लगा, तो यह यहाँ पे डिटेक्ट होता है। तो ये जल्दी काम हो जाता है। अब देखते हैं मुझे कितना समय लगता है। तो अब मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूंगा वीडियो में। ये देखिए हमारा यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूव टूल की मदद से हमने हमारे लैपटॉप पे जो भी सॉफ्टवेयर थे उसे स्कैन कर लिया है और उसका रिपोर्ट भी आया है और कहता है कि नो मैलिशियस सॉफ्टवेयर वॉज डिटेक्टेड, व्यू डिटेल रिजल्ट ऑफ द स्कैन। तो आप यहाँ पे इसके क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप स्कैन का रिपोर्ट भी देख सकते हैं, कितने आपके मैलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूव हो चुके हैं। कोई भी इफेक्टेड नहीं हुआ था, यहाँ पे नॉट इफेक्टेड लिख के आया है, इन्फेक्टेड लिख के आया है। तो ओके कर देते हैं और यहाँ पे एक चेतावनी भी दी है, इसे जूम करके देता हूँ आपको। दिस टूल इज नॉट रिप्लेसमेंट फॉर एंटीवायरस प्रोडक्ट, यू शुड यूज एंटीवायरस प्रोडक्ट, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सी प्रोडक्ट यूर पीसी। आप इसे क्लिक करके प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसे फिनिश कर देते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे दोस्त के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।